पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल दिल्ली दौरे पे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और ये कहा कि पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मदद मांगी। हमारे साथ गुरजीत सिंह ओजला जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंजाब से सांसद। सर, क्या कहेंगे? भगवंत मान कल आए, उन्होंने कहा कि अगले 2 साल तक 50,000 करोड़ केंद्र सरकार मदद करे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पहली बार मिले मुख्यमंत्री पंजाब के पीएम से, तो अच्छी बात है। जो पंजाब के लिए डिमांड रखी है तो चाहिए भी, क्योंकि पंजाब के ऊपर बहुत कर्ज है। हर व्यक्ति के ऊपर ही कर्ज है, पंजाब का मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। उसके साथ जो 31,000 की सीसी लिमिट का कर्ज हुआ है, उसकी भी बात भगवंत मान जी को करनी चाहिए थी। और उसके अलावा जैसे इलेक्शन में वादे किए थे केजरीवाल साहब ने कि मेरे को कहीं से पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसका भी ब्लू प्रिंट बता देना चाहिए कि ये पंजाब में ये पैसा कहाँ खर्चना है और वो पैसा कहाँ खर्चना है। क्या इससे कर्जा उतारना है, या तनख्वाह देनी है, या जो वादे किए उसमें ये पैसा खर्चना है, तो ये बातें भी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो सेंटर से डिमांड की, उसकी मैं मैच करूंगा कि पंजाब का कर्ज उतारने के लिए सरकार को सेंटर मदद करे। आपको लगता नहीं, जब ये फ्रीबीज बांटने की बात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही थी, क्या तब उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि 3 लाख करोड़ का एक कर्जा है सरकार के ऊपर, पंजाब सरकार के ऊपर, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा? यही तो मैं यही तो बात की है कि उसका भी ब्लू प्रिंट दो ना, जो आपने कहा था वो कैसे करना है, क्या ये पैसे लेकर उसमें खर्च करने हैं, या उसका आपके पास अलग से रेवेन्यू आएगा, ये इनको क्लियर करना चाहिए। जी, आज हमने देखा कि पंचायती सिस्टम के अंदर जो पंच सरपंचों को पैसा जाता था राज्य सरकार की तरफ से, उस पर रोक लगा दी गई। वो गलत हुआ है। देखो, पंच सरपंच है वो तो हर गांव में काम होता है, उसको करने देना चाहिए। इससे अब क्या होगा कि उनको बोलेंगे कोई आप में ज्वाइन करो, क्योंकि अभी सरपंचों के फोन आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनके वर्कर उनके पास जा रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो, पैसे आपको मिल जाएंगे। ये गलत बात हो रही है। ये तो पहले भी ऐसा ही था, अकाली दल भी ऐसा ही करता था, तो ये भी उसी रास्ते पे चल पे। ये गलत है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चेहरा सरपंच और पंचायत है। जब उसके ऊपर आप ऐसा उनके हक के ऊपर आप रोक लगाओगे, उनको काम नहीं करने दोगे, उनके पैसे आपने वापस मंगा लिए हैं, तो वो तो शंका तो जाहिर होता ही है कि जैसे पहली अकाली दल ने किया वही काम आप कर रहे हो। वो भी ऐसे ही करते थे कि सरपंच को पैसे हम तब देंगे, पहले आप अकाली दल ज्वाइन करो। अब यही काम नीचे से आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि सभी वर्कर आपके जा रहे हैं, पहले आप कांग्रेस सरपंचों के पास, या दूसरे भी कोई सरपंच है कि जो नहीं इनके साथ चले, वो उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ चलो पहले, फिर हम आगे आपकी बात पैसे आपको मिले। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-time गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।